नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ गोकशी के मामले में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, बदमाश घायल। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र व कौरसी बॉर्डर पर गांव सिया खास के जंगलों में देर रात गौकशी के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश की देर रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश जाहिद को गोली लगने से वह जख्मी हो गया। इस दौरान उसके दो साथी भागने में सफल रहे। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल लाया गया, जबकि फरार साथियों की तलाश में जवा व कौरसी पुलिस की टीमों द्वारा जंगलों में घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया। पकड़ा गया 25,000 का इनामी पिछले सप्ताह थाना टप्पल क्षेत्र में अपनी गौ मांस से भरी स्विफ्ट कार को पुलिस घेराबंदी के दौरान मौके से छोड़कर भाग गया था। एसपी सिटी अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात कुछ लोगों ने कंट्रोल रूम को नगला पटवारी और थाना जवा की अमरौली चौकी के बॉर्डर सिया खास गांव के जंगलों में कुछ संदिग्ध लोग घूमने की सूचना दी। सूचना पर दोनों चौकियों के प्रभारियों ने घेराबंदी के दौरान जंगलों में घूमते लोगों से टोकाटाकी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो लोग के पैर में गोली लगने से जख्मी हो गए, जबकि उनके अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। जाहिद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है और उसे पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। वही जावेद 20 साथी किस्म का अपराधी है। भागे हुए दो अन्य साथियों की पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी की बात कर रही है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। देखिए, ये कुछ कंट्रोल रूम के माध्यम से अमरौली और नगला पटवारी क्षेत्र की कुछ सूचना थी संदिग्ध व्यक्तियों की, तो वहाँ पर जो है संबंधित चौकी इंचार्ज द्वारा बॉम्बिंग की गई, तो उसी में अमरौली क्षेत्र में जो है कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा जो है पुलिस पर फायरिंग की गई और उसी मुठभेड़ में जो है दो व्यक्तियों को गोली लगी, जिसके नाम जावेद और जाहिद है। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जाहिद जो है करीब 25,000 का इनाम घोषित था और गोकशी के मुकदमे में वांछित, बाकी जानकारी की जा रही है और फिलहाल उनका इलाज। कितने टोटल कितने बदमाश थे? दो व्यक्ति थे और दो व्यक्ति के फरार होने की सूचना चले कॉमिंग किया। मतलब दो में गोली लगी, दो फरार, टोटल चार थे।